द लेटर, गौरी शंकर जोशी। यह कहानी भारतीय लेखक श्री गौरी शंकर जोशी जी द्वारा लिखी गई है। सुबह के 4 बजे के अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी ठंड और हाड़ कंपा देने वाली हवा में शहर के रास्ते में बढ़ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और सहारे के लिए हाथ में एक छड़ी थी। पूरा शहर अभी मीठी नींद के आगोश में था, लेकिन वह बूढ़ा निरंतर चले जा रहा था, जब तक कि वह शहर की एक बेहतरीन इमारत के पास नहीं पहुंच गया। उस इमारत को देखकर बूढ़े को वही खुशी महसूस हुई जैसे किसी तीर्थयात्री को अपनी यात्रा के बाद तीर्थ स्थान पर पहुंचने से मिलती है, और वह इमारत थी शहर का पोस्ट ऑफिस। बूढ़ा आदमी, जिसका नाम अली था, पिछले 5 वर्षों से लगातार हर मौसम में इसी तरह सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता, इस उम्मीद में कि उसकी बेटी मरियम का पत्र आएगा, जिससे वह 5 वर्षों से नहीं मिला था। दरअसल अली की इकलौती बेटी मरियम की शादी 5 वर्ष पहले एक सेना के अधिकारी से हुई थी, और वह अब अपने पति के साथ पंजाब में रहती थी, और पिछले 5 वर्षों से अली को अपनी बेटी मरियम की कोई खबर नहीं मिली थी। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अली को पागल कहते थे। वे कभी कभी झूठ मूठ उसका नाम जोर से लेते थे कि उसके नाम का पत्र आया है, फिर वे सभी ठहाके मारकर उसकी हंसी उड़ाते। अली इन बातों से दुखी तो होता, पर उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और हमेशा अपना पत्र पाने की उम्मीद में पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता। अपनी जवानी के दिनों में अली एक बहुत अच्छा शिकारी था। शिकार करने का उसका प्रेम अपनी चरम पर था। वह हर दिन शिकार किए बिना नहीं रह पाता था। लेकिन जब उसकी बेटी शादी के बाद चली जाती है, तो अचानक अली का शिकार के प्रति प्रेम समाप्त हो जाता है। अब उसे प्यार और बिछो का मतलब समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया प्रेम से बनी है और किसी से अलग होने का दुख बहुत बड़ा है। यह सब सोचकर वह खूब रोया, और उस दिन से वह प्रत्येक सुबह 4 बजे उठकर पोस्ट ऑफिस के लिए जाने लगा। अपने जीवन में उसे कभी किसी का पत्र नहीं आया, परंतु उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी बेटी मरियम का पत्र उसे जरूर आएगा। अब कई दिन बीत जाते हैं और अली पोस्ट ऑफिस नहीं आता, और वहां पर इस बात की किसी को भी परवाह नहीं थी कि अली क्यों पोस्ट ऑफिस नहीं आ रहा है। फिर एक दिन वह पोस्ट ऑफिस आता है और पोस्टमास्टर साहब से याचना करता है कि क्या उसकी बेटी मरियम ने उसे पत्र भेजा है। पोस्टमास्टर साहब बहुत जल्दी में होते हैं और गुस्से में अली को डांट देते हैं। अली बहुत दुखी मन से आंखों में आंसू लिए एक क्लर्क से बात करता है और उसे 5 सोने के सिक्के देता है। अली उसे कहता है कि यदि उसकी बेटी का पत्र आया तो वह इस पत्र को उसकी कब्र में पहुंचा दे। क्लर्क उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। अली आगे कहता है कि यह सच है कि आज उसका आखिरी दिन है, और उसे बहुत दुख है कि उसे उसकी बेटी की ना तो कोई खबर मिली है और ना ही कोई पत्र। उसके बाद अली पोस्ट ऑफिस नहीं आया और ना ही किसी ने इसके बारे में जानने की कोशिश की। अब एक दिन पोस्टमास्टर साहब अपनी बेटी के बारे में परेशान होते हैं। उनकी बेटी बीमार होती है और दूसरे शहर में थी। पोस्टमास्टर साहब बेचैनी से अपनी बेटी की खबर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पत्रों के ढेर में उन्हें एक पत्र दिखाई देता है जिस पर बूढ़े अली का नाम लिखा होता है। पोस्टमास्टर साहब उस पत्र को उठा लेते हैं। खुद भी वे अपनी बेटी की वजह से दुखी और बेचैन थे, इसलिए बूढ़े अली का पत्र देखकर वे तुरंत सोचते हैं कि यह पत्र उस बूढ़े अली का है जो उसकी बेटी ने उसे भेजा होगा। पोस्टमास्टर साहब आवाज लगाते हैं, लक्ष्मीदास, यह वही क्लर्क होता है जिसे बूढ़े अली ने सोने के सिक्के दिए थे। जी सर, लक्ष्मीदास बोला। यह पत्र बूढ़े अली का है, वह अब कहाँ है? पोस्टमास्टर साहब ने पूछा। मैं पता लगा लूंगा सर, लक्ष्मीदास ने कहा। फिर पूरे दिन पोस्टमास्टर साहब को अपनी बेटी के बारे में कोई खबर या पत्र नहीं मिलता है। रात को भी वे चिंता में डूबे रहते हैं और सुबह 3 बजे उठकर ऑफिस में बैठ जाते हैं। उनके सामने बूढ़े अली का पत्र रखा होता है। वे सोचते हैं कि जब अली सुबह 4 बजे पोस्ट ऑफिस आएगा तो वह उसका पत्र स्वयं अपने हाथों से उसे देंगे। पोस्टमास्टर साहब अपनी बेटी की चिंता में डूबे होते हैं। फिर उन्हें बूढ़े अली के अपनी बेटी मरियम के प्रति पिछले 5 सालों के दर्द का एहसास होता है। वे अब एक पिता के हृदय से सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे एक रात में ही अपनी बेटी की खबर पाने के लिए कितने चिंतित और बेचैन हैं, जबकि बूढ़े अली ने यह कष्ट पिछले 5 वर्षों से झेला था।
सुबह 5 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने देखा कि बूढ़ा अली दरवाजे पर खड़ा है। वे तुरंत पत्र देने को उठे, परंतु बूढ़े अली की आंखों की रहस्यमय चमक देखकर वे डर के मारे पीछे हट गए। तभी लक्ष्मीदास दूसरे कमरे से आया और बोला, कौन था सर, आप किससे बात कर रहे थे? परंतु पोस्टमास्टर साहब आश्चर्य से दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जहां कोई भी नहीं था। आखिर में वे लक्ष्मीदास की तरफ मुड़े और बोले, हां मैं बूढ़े अली से बात कर रहा था। क्या? लक्ष्मीदास चौंकते हुए बोला, ये कैसे संभव है सर, अली तो 3 महीने पहले मर चुका है। पोस्टमास्टर साहब आश्चर्य में डूब गए। अली का पत्र दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। बूढ़े अली का प्रतिबिंब अभी भी उनकी आंखों में घूम रहा था। क्या उन्होंने सच में बूढ़े अली को देखा था, या फिर उनकी कल्पना ने उन्हें धोखा दिया था, या फिर वो लक्ष्मीदास था? और फिर पोस्ट ऑफिस की नियमित दिनचर्या शुरू हो जाती है। लेकिन अब पोस्टमास्टर साहब हर पत्र को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखने लगे थे। उन्हें हर पत्र में भावनाओं और प्रेम का संदेश दिखने लगा था। उसी शाम को पोस्टमास्टर साहब और लक्ष्मीदास बूढ़े अली की कब्र पर जाते हैं और उसकी कब्र पर पत्र रख देते हैं, जिसका बूढ़ा अली पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहा था। पोस्टमास्टर साहब को इस बात का बहुत दुख होता है कि वे बूढ़े अली की दिल की भावनाओं को कभी नहीं समझ पाए।